फल्गुनमय चैनल और मैं हूँ श्वेता। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पे कर सकते हैं हेयर स्पा। मैं सारे जो आपको स्टेप्स है वो लाइव डेमो के थ्रू दिखाऊंगी और लास्ट में आपको रिजल्ट भी बताऊंगी ताकि आपको पता चले कितना इफेक्टिव है। और साथ ही साथ मैं आपको हर स्टेप में बताने वाली हूँ कि उस स्टेप के क्या फायदे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कैसे आप घर पे हेयर स्पा कर सकते हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। फर्स्ट स्टेप पे आपको करना है मसाज। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है SBL का अनिका ऑयल, ये जो पर्टिकुलर होम्योपैथिक ऑयल है हेल्प करता है रिड्यूस करने में हेयर फॉल और डैंड्रफ को भी धीरे धीरे कम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर ऑयल को यूज़ कर रखा है तो मुझे लिटरली पता है कि ये ऑयल कैसा है। और इसके अलावा आप चाहें तो खुद का ऑयल भी तैयार कर सकते हैं, तो रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ डबल बॉयलर प्रोसेस के थ्रू आपको जो है इस तेल को हल्का गुनगुना कर लेना है। उसके बाद आपको मसाज करना है इस तेल को अपने स्कैल्प पे 5 से 10 मिनट के लिए। इस तेल को जो है अपने बालों में अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें रूट्स टू द एंड, कहीं भी ये छूटना नहीं चाहिए। इस प्रोसेस से जो है आपके जो स्कैल्प का है सर्कुलेशन बढ़ता है और ये जो प्रोसेस करने से जो है आपका हेयर ग्रोथ में भी हेल्प होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है वो हेल्प करेगा ऑयल को होल्ड करने के लिए आपके स्कैल्प पे और नरिश करेगा, साथ ही साथ ओपन अप कर देगा हेयर फॉलिकल्स। इसके लिए जो है आपको क्या करना है, टॉवेल लेना है, उसको जो है गर्म पानी में आपको डालना है, उसका निचोड़ लेना है और एक्सेस पानी जो है निकाल लेना है। उसके बाद उसको रैप करें अपने हेड पे और ध्यान रखें कि सारा जो है हेयर कवर हो जाना चाहिए। अगर आपके हेयर जो एक्सट्रीमली ड्राई हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसको रैप करके रखना है, नहीं तो आप 5 से 6 मिनट के लिए करेंगे तो भी चलेगा। टाइम ख़त्म होने के बाद आप जो ये टॉवल है अपने हेड से निकाल लें। उसके बाद आपको जो है अपना बाल धोना है ताकि जो एक्सेस जो ऑयल है आपके बालों से वो निकल जाए। इसके बाद भी अगर आपका हेयर अगर ड्राई फील कर रहा है तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई हेयर मास्क। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इंडस वैली का हेयर अल्टीमा स्पा। इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपने हेयर को दो सेक्शन में डिवाइड करूँगी, फिर क्लच कर लूँगी ताकि मैं इसको इवनली अपने हेयर पे अप्लाई कर सकूँ और कोई भी सेक्शन छूटे ना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। इसको आपको अप्लाई करना है ड्राई पार्ट्स अपने स्कैल्प पे और अगर आपके कहीं थिन हेयर है तो पे आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना है और इवनली आपको स्प्रेड कर लेना है ये अल्टीमा स्पा अपने बालों पे और रहने देना है 15 मिनट के लिए। अगर आपके हेयर एक्सट्रीमली ड्राई हैं या फिर आपको डीपर कंडीशनिंग चाहिए तो 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर अल्टीमा स्पा के बेनिफिट्स ये हैं कि स्ट्रॉन्ग करता है हेयर फॉलिकल, आपको बाउंसी और शाइनी लुक देने में हेल्प करता है, साथ ही साथ रिड्यूस करता है डैंड्रफ, अगर आपके हेयर डैमेज्ड हैं या फिर हेयर फॉल हो रहा है बहुत तो उसको भी कंट्रोल करता है। देयर इज नो एज लिमिट टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर हेयर स्पा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो खुद का हेयर मास्क घर पर बना सकते हैं, रेसिपी के लिए अगेन आप चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेयर मास्क को अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब है टाइम आपको अपने बालों को कवर करने का। आप चाहे तो सिंपल लूज बन भी बना सकते हैं और फिर सिक्योर कर सकते हैं क्लिप के साथ, बट अच्छा रहेगा कि आप शावर कैप यूज़ करें क्योंकि इससे जो है आपका डस्ट से आपके हेयर को बचाता है, साथ ही साथ जो है ट्रैप कर लेता है हीट आपके स्कैल्प से, जिससे जो है आपका मास्क जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एस्टिमेटेड टाइम ख़त्म होने के बाद आपको जो है हेयर मास्क को अब धोने का टाइम आ गया है, तो इसके लिए जो आप यूज़ करें अगेन माइल्ड शैम्पू और इस टाइम जो आपको यूज़ करना है वो है हल्का गुनगुना पानी। उसके बाद जो है आप थोड़ा कंडीशनर का यूज़ करें। हेयर स्पा का जो है सारा प्रोसेस हो चुका है ख़त्म। आई जस्ट होप आपको जो है रिजल्ट मेरे बारे में दिख रहा हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप मेरे फ्यूचर के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे आ चुकी हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी, आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पे लिंक है और आपको मुझे वहाँ पे फॉलो करना है।
इसके अलावा आपको बता सकना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।